कौन सी टीम किस टीम को कर देगी तंग जब मिलेगी आमने सामने तमिल थलाईवास और दिल्ली के दबंग। जी हाँ, मैं नमन कापड़ी आपका स्वागत करता हूँ चर्चाए कबड्डी में। यहाँ मिलेंगे कबड्डी के रंग मेरे और आपके संग। ये है साल के पहले दिन का आखिरी मुकाबला, 9:30 बजे खेला जाएगा दबंग दिल्ली और तमिल थलाईवास के बीच। आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स टीवी नेटवर्क पर। अब अगर मैं इन दोनों टीमों के इतिहास की बात करूं तो इतिहास में इन ये टीमें केवल 4 बार मिली है और दबंग दिल्ली ने कहा है आप टेंशन ही मत लीजिए, एकदम सिंपल 4-0। 4 बार जीती है दिल्ली और 0 बार जीती है तमिल थलाईवास। दिल्ली ने पूरी तरह यहाँ पर डोमिनेट किया है तमिल थलाईवास को और उन्हें बार बार बताया कि यारा हम नहीं तुम्हें जीतने देंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या तमिल थलाईवास वापिस आ सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर मैं बात करूं दोनों ही टीमों की और खिलाड़ियों की, कौन से खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल उठकर आ सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम दबंग दिल्ली की टीम से। दबंग दिल्ली का पिछला मैच था बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, जहां पर नवीन कुमार जबरदस्त 21 रेड पॉइंट्स, 3 बोनस पॉइंट्स, 24 पॉइंट नवीन ने अपने बलबूते पर लाए हैं। नवीन कुमार जबरदस्त रेडर। अगर पवन कुमार सहरावत को टक्कर देने वाले फिलहाल कोई रेडर है प्रो कबड्डी लीग में, तो वो है नवीन कुमार, जो कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। उनका अच्छा साथ दिया विजय मलिक ने, जिन्होंने 4 रेड पॉइंट और 6 बोनस पॉइंट लिए, 10 पॉइंट उन्होंने भी बटोरे। नवीन कुमार रेड में पॉइंट्स निकाल रहे थे, विजय मलिक बोनस पॉइंट्स निकाल रहे थे और पूरी तरह से बंगाल वॉरियर्स को दबा के रखा था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सपीरियंस डिफेंडर्स ऑलराउंडर्स की, तो मनजीत चिल्लर क्या बात है, 2 टैकल पॉइंट्स उन्होंने मिले। हल्का फुल्का दिन रहा लेकिन मनजीत को आप कभी कम नहीं आंकते। मनजीत वो खिलाड़ी है जो उठकर आपको कल के मैच में, आज के मैच में कभी भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और शायद किसी को फर्क भी ना लगे। जीवा कुमार, आशु मलिक दोनों ने 3-3 टैकल पॉइंट्स लिए, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स लिए, बहुत जरूरत के पॉइंट्स थे वो। और बिल्कुल आज होप करेगी दबंग दिल्ली की, आज भी वो एक कमाल का प्रदर्शन कर दिखाए डिफेंसिव थर्ड। अगर हम बात करें अभी तमिल थलाईवास की, तमिल थलाईवास का पिछला मैच था यू मुंबा के साथ, जहां मनजीत ने 5 रेड पॉइंट्स लिए, 1 टैकल और 2 बोनस पॉइंट, 8 पॉइंट लिए। अतुल एमएस ने उनका अच्छा साथ दिया, 3 रेड पॉइंट्स और 4 बोनस पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स अतुल को मिले। तो 8 और 7, ये जो 2 15-16 पॉइंट रीडिंग डिपार्टमेंट ने निकाले हैं, बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स निकाले। लेकिन स्टिल तमिल थलाईवास होप करेगी कि कोई एक खिलाड़ी उनका उठकर आए जो उनको एक्स फैक्टर दे। 8-7 पॉइंट से काम नहीं चलने वाला है। आपको नवीन कुमार, पवन कुमार सहरावत जैसे खिलाड़ी चाहिए जो आपको 10-10, 15-15 सुपर 10 स्कोर करके दे, आपको रीडिंग डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन करके दे। और आज बिल्कुल होप करेंगे मनजीत और अतुल से एक बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। सुरजीत सिंह, कप्तान सुरजीत, डिफेंडर सुरजीत, जबरदस्त सुरजीत, केवल 3 टैकल पॉइंट्स निकाल पाए लेकिन सुरजीत को कम मत आंकिए। मनजीत चिलर की तरह सुरजीत सिंह भी एक बहुत बढ़िया डिफेंडर है और अपने दिन पर वो अकेले दम पर अटैकिंग टीम को तहस नहस कर सकते हैं। उनका जो नौजवान थोड़ा तजुर्बाहीन डिफेंस है भवानी राजपूत, मोहित और अजिंक्य पवार, वो खुलकर आ नहीं पा रहा है इस सीजन और वो उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। तमिल थलाईवास बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे ये 3 खिलाड़ी थोड़ा अपना उठकर आए, आगे अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और बताएं क्यों उन्हें इस टीम में खिलाया गया है टॉप 7 में और क्यों वो डिजर्व करते हैं वो पोजीशन। तो अगर मैं ऑन पेपर देखूं तो ये दबंग दिल्ली ने बिल्कुल डोमिनेट किया और आज ही मुझे लग रहा है दबंग दिल्ली ये मैच बिल्कुल ले जाएगी, क्योंकि जिस रेड हॉट फॉर्म में यहाँ पर नवीन कुमार है उन्हें रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है। विजय मलिक उनका बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं और डिफेंस में भी जीवा कुमार और मनजीत चिलर जैसे 2 बड़े नाम हैं इनके पास, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और ताकत भी है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल होगा बीट करने के लिए और तमिल थलाईवास के लिए आज एक बहुत लंबी रात हो सकती है। तो ये था हमारा तीसरे मैच का प्रिव्यू। हम फिर मिलेंगे कल इसी जगह पे लीग 11 के चर्चाए कबड्डी पर। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि कौन सी टीम आपको लग रही है इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर है और कौन जीत सकता है आज का मैच। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।